सो गाइज, मेरा नाम है कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप का पासवर्ड कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो पासवर्ड क्रैकिंग की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जब कोई नया पीसी बाई करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें एक पासवर्ड को सेट करते हैं। और बाय द वे, आप अपने पीसी में पासवर्ड को सेट कर रखे हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इन केस में हमको अपने पीसी का पासवर्ड जो है उसको क्रैक करना पड़ता है या बाईपास करना पड़ता है। तो इसके लिए हम आपको लाइव दिखा दें। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो हमें यह रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। और जब हम रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमसे बोल रहा है आपको रीसेट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी या सीडी ड्राइव की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको मेथड बताऊंगा इसमें ना आपको फ्लॉपी डिस्क ना ही सीडी की ज़रूरत होगी। आप इजीली अपने पीसी से अपने पासवर्ड को रिमूव कर पाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ईज़ ऑफ एक्सेस का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बंडल्स ऑफ फाइल दिखेंगी और इस पूरे पॉपअप विंडोज़ को हम यूटिल मैन बोलते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सीएमडी की, जो कि यहाँ पर वो तो सीएमडी जो है अनअवेलेबल है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक सीएमडी लाना होगा। तो सीएमडी लाने के लिए आपको अपना पीसी जो है उसका पावर बटन एक बार प्रेस करना है और 3 सेकंड के बाद उसको दोबारा से प्रेस करना है। और हम इस स्टेप को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमारे सामने विंडोज़ एरर रिकवरी की स्क्रीन आ नहीं जाती। आप 2-3 बार करेंगे बस आपका जो विंडोज़ एरर रिकवरी का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो फाइनली हमारे जो स्क्रीन है विंडोज़ एरर रिकवरी वो आ चुकी है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइनली इंटर प्रेस कर देना है। आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्क्रीन लोड होना शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिख कर आ जाएगा विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल। आप थोड़ा वेट करेंगे या विंडोज़ की फाइल को लोड कर रहा है। इसके बाद आपके सामने विंडोज़ का सेटअप जो है वह ओपन होगा और यहाँ पर विंडोज़ जो हमारा है स्टार्टअप रिपेयर हो रहा है। तो इसको होने दें, या 2, 4 या 10 मिनट ले सकता है आपका। तो इसके लिए हमको यह बार बार स्टार्टअप रिपेयर का डू यू वांट टू रिस्टोर योर कंप्यूटर यूजिंग सिस्टम रिस्टोर का बार बार मैसेज आएगा, हमको इसको कैंसिल करते रहना है। और इसको हम तब तक कैंसिल करेंगे जब तक हमारे सामने कोई न्यू विंडोज़ नहीं आ जाती। तो ये 2-4 बार आप करेंगे उसके बाद सिस्टम खुद समझ जाएगा कि आप अपने जो कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने विंडोज़ को, और वह आपको कस्टमाइजेशन स्क्रीन को शो कर देगा। तो मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। तो फाइनली आप यहाँ देखेंगे स्टार्टअप रिपेयर में आपको स्टार्टअप रिपेयर कैन नॉट रिपेयर दिस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमारे सामने जो न्यू विंडोज़ आ चुके हैं, सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम रिकमेंडेड डोंट सेंड। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स पर और इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइल पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ पर लोकल डिस्क डी में जाएंगे। आप अपने हिसाब से आपका जिस भी ड्राइव में विंडोज़ पड़ा हो आप उसमें को ओपन करेंगे। उसके बाद विंडोज़ के फोल्डर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको चले जाना है सिस्टम 32 बिट में और यहाँ फाइल टाइप में जो टेस्ट डॉक्यूमेंट .txt हो रखा है इसको आप आल फाइल्स कर देंगे। आल फाइल्स करने के बाद हमारी जितनी भी विंडोज़ नाम के फोल्डर के अंदर जो सिस्टम 32 बिट है उसके अंदर जितने भी फाइल्स रिस्टोर हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर यूटिल मैन नाम की फाइल को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे यू वाले सेक्शन में और यहाँ पर हमको यूटिल मैन नाम की एक फ़ाइल मिल जाएगी। तो फाइनली हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें यूटिल नाम की एक फ़ाइल मिल चुकी है और उसके बाद इसको रीनेम पर हम क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद हम इसका यूटिल मैन जो नेम है इसका नेम हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको रीनेम करेंगे। आपसे मैं बता दूं कि इसको जो ईज़ ऑफ एक्सेस है वहाँ से हटाना है, इसलिए वहाँ पर वो ही फाइल शो करे जिसका नाम यूटिल मैन होगा। तो हम यहाँ पर हेलो लिख देंगे तो अब ये जो हमारी है वहाँ से रिमूव हो चुकी है फाइल। उसके बाद हमको यहाँ पर सी एम डी नाम का एक फाइल है उसको
फाइंड करना है। तो हम सीएमडी नाम की एक फाइल को फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएमडी नाम की एक फाइल मिली है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमने वहाँ पर यूटिल मैन नेम को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे और साथ ही इस विंडो को भी क्लोज कर देंगे। फाइनली हम सारी विंडोज़ को क्लोज कर देंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा सिस्टम जो है वह रिबूट होगा, सिस्टम पूरी तरह से ऑफ हो जाए। तो आप अपने सिस्टम को ऑन कर लीजिए, आप अपने सिस्टम का पावर बटन जैसे प्रेस करेंगे आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। आपको नॉर्मली अपने सिस्टम को ऑन करना है और उसके बाद आपके सामने यह जो विंडोज 7 का लोगो है यह शो होने लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी आपका जो पासवर्ड है वह क्रैक नहीं हुआ है, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उसके बाद हम एग्रीकल्चर वाले को क्लिक करते हैं और इसका पासवर्ड क्रैक करते हैं। साथ ही हम चाहें तो दोनों का क्रैक कर सकते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारा उसका हम पासवर्ड क्रैक करेंगे। तो मैं आपसे बता दूं, जो हमारा ईज ऑफ एक्सेस था, आप जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडोज़ खुलकर आ जाएगी जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ होगी। तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगा अगर आपको इस कमांड को देखने में कोई दिक्कत हो रही है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस कमांड का जो है स्ट्रक्चर वो दे दूंगा जिससे कि आप आसानी से इसको टाइप कर सकें। तो फाइनली हम यहां पर टाइप करेंगे कंट्रोल यूज़र पासवर्ड, हम यहां पर लिखेंगे कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2 और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर हमें यूजर अकाउंट नाम का एक पॉपअप विंडोज़ खुलकर आ जाएगा, जहां आप यूजर नेम में देख सकते हैं एक डेल है जो एडमिनिस्ट्रेटर है और गेस्ट है जो वो ग्रुप में गेस्ट शो कर रहा है। तो हम यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर का ही पासवर्ड जो है क्रैक कर देंगे जिससे कि हम दूसरे जो हमारे जितने भी अकाउंट्स होंगे उनका पासवर्ड हम आसानी से क्रैक कर सकें। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर को सेलेक्ट करेंगे और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कंफर्म पासवर्ड हमसे मांग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पासवर्ड सेट करें तो आप यहां पर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी पासवर्ड सेट नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली ओके पर क्लिक कर दीजिए और इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपका पासवर्ड जो है वह क्रैक हो चुका है। सो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था, आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।